कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, आज खेती किसानी में चर्चा के विषय है हल्दी के उन्नत खेती। और ये विषय में चर्चा करे और हमारे बीच में है डॉक्टर एस टुटेजा जी, प्रमुख वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। टुटेजा जी, आपके चर्चा में स्वागत है। और संगवारी हो, चर्चा ला हम शुरू करबो, ओकर पहले आप मल्ला बता दें कि आप मन हमला खेती से, हल्दी की खेती से जुड़े हुए प्रश्न आप पूछ सकते हो। आप मन टोल फ्री नंबर ला जरूर नोट कर लो। टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। नंबर ले एक बार फिर सुन लो, 1800-233-9418। संगवारी हो, हम चर्चा ले शुरू करें कि पहली हल्दी की खेती के ऊपर बहुत सुघर फिल्म बनाए हैं, वो फिल्म वाला पहली देखा हो आप मन, उकर बाद टुटेजा साहब से हम चर्चा करब। मसाले हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अवयव तो है ही, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। छत्तीसगढ़ में मसाला फसलों में हल्दी, अदरक, धनिया, मिर्च, मेथी इत्यादि की खेती की जाती है। हल्दी को किसान इसकी खेती के साथ साथ अपने उपयोग हेतु बाड़ी में भी लगाते हैं। वानिकी एवं उद्यानिकी फसलों के मध्य अंतर्वर्ती फसल के रूप में इसे लगाने से अतिरिक्त आय भी ली जा सकती है। छत्तीसगढ़ की जलवायु हल्दी के लिए उपयुक्त है। यहाँ लगभग 11,000 हेक्टेयर में खेती की जाती है, लेकिन उत्पादकता कम है। इसका एक प्रमुख कारण उन्नतशील किस्मों का उपयोग नहीं होना है एवं इनका आसानी से नहीं मिल पाना। देश के कई विश्वविद्यालय द्वारा हल्दी की कई उन्नतशील किस्में तैयार की गई हैं, जो कि अच्छे उत्पादन के साथ साथ रोग व कीट प्रतिरोधक भी हैं। छत्तीसगढ़ में रोमा, छत्तीसगढ़ हल्दी 1 एवं 2, PSR 2, नरेंद्र हल्दी एवं सुरंजना अच्छा उत्पादन देती हैं। किसानों को इन किस्मों का बीज आसान व सुगमता से प्राप्त हो सके, इस हेतु इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाइयों में हल्दी की उन्नत किस्मों का बीज का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे कि किसानों को अच्छी किस्मों के बीज प्रदाय किया जा सके। बीस में विश्वविद्यालय के कई इकाइयों जैसे अनुसंधान प्रक्षेत्र रायपुर, कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया, कृषि विज्ञान केंद्र भाटापारा, कृषि विज्ञान केंद्र अंबिकापुर में हल्दी के उन्नत किस्मों का बीजोत्पादन कार्यक्रम लिया गया। इस कार्य हेतु सुपारी और मसाला विकास निदेशालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग कालीकट केरल द्वारा वित्तीय सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदाय किया जाता है।
तो देखे संगवारी हो हल्दी के कतेक सुघर ढंग ले खेती इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में और अलग अलग कृषि विज्ञान केंद्र में भी खेती करे जाते जेला अभी आप फिल्म के माध्यम से देखे हो। हल्दी है एक बहुत गुणकारी फसल है, हमारे रसोई घर में तेकर उपयोगिता हावच, लेकिन कई ठन घाव गोदर पर और कई ठन सौंदर्य प्रसाधन पर भी हल्दी के उपयोग करे जाते। हल्दी एक तरह से घरेलू औषधि के रूप में माने जाते। तो आओ हल्दी के अच्छा उत्पादन कैसे लेवन ये विषय में डॉक्टर टुटेजा जी से हम चर्चा करेंगे। टुटेजा साहब चर्चा में आपके फिर स्वागत है। हम देखें कि आम के बहुत बड़े बाग के बीच में हल्दी के बहुत सुघर फसल लगे है। तो आप बताते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ कृषि विज्ञान केंद्र है और कहाँ कहाँ कतेक बड़े पैमाना में हल्दी की खेती आप मन के निर्देशन में करे जाते। देखिए जो हल्दी है इसको छाया में भी लगाए जा सकते हैं, तो जो वानिकी है या जो अपन कहें कि फल उद्यान है इनके बीच में अंतर्वर्ती फसल के रूप में हल्दी को लेना चाहिए जी जी। क्योंकि इससे जहां फलों से तो लाभ होता ही है, हम अंतर्वर्ती फसल के रूप में एक अतिरिक्त आय का साधन हम इसको मान सकते हैं कि इससे हमको अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होती है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि हल्दी की खेती अपने अतिरिक्त आमदनी के लिए करें। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कई कृषि विज्ञान केंद्रों में जहां इसका बीज उत्पादन तो किया ही जाता है, वहीं किसानों के खेत में भी प्रदर्शन कर इसकी उन्नत तकनीक को बताई जाती है। हमारे यहां कृषि विज्ञान केंद्र अंबिकापुर, कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया, कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर, कृषि विज्ञान केंद्र भाटापारा, कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर, कृषि विज्ञान केंद्र जगदलपुर, कृषि विज्ञान केंद्र रायगढ़ एवं अन्य जो हमारे इकाइयां हैं वहां पर हम हल्दी की खेती का बीज तो किसानों के लिए तैयार करते ही हैं, इसकी उन्नत तकनीक से भी किसानों को अवगत कराते हैं जिससे कि किसानों को आसानी से उन्नत जातियों के बीज तो मिल ही सकें, वो इसकी नई तकनीक और अच्छी तकनीक का प्रयोग कर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें। जी जी हाँ टुटेजा साहब बताते कि बीज लगाए की पहली हाँ कैसे ढंग ले खेती के तैयारी करें और हाँ, कौन महीना में हल्दी की खेती लगाना हाँ, उपयुक्त तो माने जाते हैं। देखिए जिस किसान भाई के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो वो तो मई के दूसरे सप्ताह से ही इसको लगाना चालू कर देते हैं, और जहाँ किसान भाइयों के पास जो वर्षा पर आधारित हैं वहाँ जून में जैसे ही पानी चालू होती है इसकी खेती कर सकते हैं। इसकी खेती हम दो विधि के द्वारा करते हैं, एक तो हम समतल खेत में भी लगा सकते हैं, दूसरा यदि इसको मेड़ और नाली पद्धति से लगाएं हम मादा पद्धति से, तो उससे जो है एक अच्छा हमको उत्पादन प्राप्त होता है। खासकर छत्तीसगढ़ में देखिएगा कि इस समय मानसून के समय बरसात ज़्यादा होती है, तो उसके द्वारा ये होता है कि हम जो अतिरिक्त जल है जो भर जाता है वहाँ पे इसको आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि यदि हल्दी में जल का भराव होता है तो उसको नुकसान होता है, और दूसरा जितनी हम इसको मिट्टी चढ़ाएंगे उतना ही इसका हमको अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। तो इस पद्धति से जहाँ हम अतिरिक्त जल की निकास तो कर सकते हैं वहीं पर क्योंकि इसमें मिट्टी अच्छी चढ़ जाती है तो इससे हमको एक अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। टुरेज साहब हमारे संगवारी की फोन आवा थे। हेलो हाँ कहाँ से बोला था भैया? मैं गोविंद मानेसर कन्या दमोह जिला बालाघाट से बोला था भैया। अच्छा तो गोविंद भैया आपके का प्रश्न है पूछो। टुटेजा जी जानकारी लेना मेरी भैया जी से, हल्दी जिससे अपन खेती कर दो तो अगर बीज हम मतलब कहाँ मिली हाँ, और दूसरा सवाल यह भैया जिसे हल्दी जिसे लगा दो तो मेयर पद्धति से लगाना है कैसी लगाना है हाँ जानकारी बता रहे थे, और काम खेती करेंगे आप किसी का ठीक है। गोविंद जी देखिए आपका दो तीन प्रश्न था, पहला तो कि मिश्रित खेती तो हम इसको फल उद्यान के बीच में या कुछ वानिकी पौधे लगे हैं उसके बीच में हम इसको कर सकते हैं। दूसरा कि जहाँ तक इसकी बीज का प्राप्ति का है तो जहाँ पे इसको जो कृषि महाविद्यालय हैं जहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर इसका बीज तैयार करते हैं तो वहाँ से आप बीज इसको प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें खासकर बताऊं कि अच्छी जातियों का चुनाव जरूर करना चाहिए, तो जो हल्दी की अच्छी जाति है उसमें हम कहें रोमा, सुरोमा, सुरंजना
और अभी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से दो हल्दी की अच्छी जाति निकाली गई है, जिसमें अपना छत्तीसगढ़ हल्दी एक और छत्तीसगढ़ हल्दी दो, ये दोनों अभी उन्नत जातियां हैं और नई निकाली गई हैं। तो जिस जातियों का नाम बताया, चूँकि इसमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है, तो किसान भाइयों को चाहिए कि देख लें कि उनके जो ज़िले हैं वहाँ पर कौन कौन सी जाति अनुशंसित हैं, उस अनुशंसा के आधार पर ही उनको जातियों को लगाना चाहिए। अच्छा, मादा के बारे में पूछिए गोविंद हाँ। जी है। दूसरा देखिए कि इसको बताया कि दोनों पद्धति के द्वारा लगा सकते हैं, लेकिन जो मादा पद्धति है वो अच्छी पद्धति है, और किसान भाइयों को चाहिए हो सके तो इसी पद्धति के द्वारा उनको हल्दी को लगाना चाहिए। तो जब मादा बना रहे हैं तो उस समय देखना चाहिए कि इसकी जो दूरी रहे वो दूरी जो है 45 से 50 और 60 सेंटीमीटर हम रख सकते हैं, और इसमें जो कंद लगा रहे हैं कंद से कंद की दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। जी। तो जो जैसा कि गोविंद जी ने कहा, मादा पद्धति एक अच्छी पद्धति है और इसके द्वारा लगाने से हमको हल्दी का अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। टुटेजा जी, आप मैंने जल के बारे में कहे कि ज़्यादा जल भराव अच्छा नहीं हुए हल्दी खेती के लिए, तो जल और खाद ये हल्दी की खेती के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ये कि खाद के प्रबंधन कैसे होना चाहिए और जल के प्रबंधन भी कैसे होना चाहिए, तो बताते विस्तार से। देखिए, हर फसल में जो जल प्रबंधन है वो बहुत ही जरूरी है, और वैसे ही खाद प्रबंधन, क्योंकि किसान भाई यदि इस दो प्रबंधन को अच्छे से कर लें तो एक बहुत अच्छा उत्पादन हमको प्राप्त होता है। तो जल प्रबंधन में देखें कि इसमें दो चीज है, एक तो सिंचाई देना और दूसरा जल निकास की व्यवस्था करना। तो जैसे हम कहें कि छत्तीसगढ़ में जो है जून से लेके अक्टूबर तक तो यहाँ पे पानी गिरता ही है, तो इस समय किसान भाइयों को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जिस किसान भाई के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है उनको आगामी माह में सिंचाई देनी चाहिए, और जो आधुनिक पद्धति है उसमें ड्रिप का भी उपयोग किसान भाई अच्छे उत्पादन के लिए कर सकते हैं टपक विधि से। लेकिन जो एक अच्छा चीज़ जो है इसमें कि जल निकास इसमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि यदि पानी का जमाव होता है तो पौधे में इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो जब खेत की तैयारी करें उसी समय खेत को अच्छे से समतल कर लें, यदि दिखता है कि कहीं पानी का भराव हो सकता है तो उसकी जो है वहाँ पर नाली बना लें। एक तरीके से मैं कहूँ कि पानी खेत में कभी भी इसका जमाव नहीं होना चाहिए। जी। टुटेजा जी, एक संगवारी फिर फोन आओ थे हम हेलो भैया। हेलो, हाँ बोलो, कहाँ बोला था, कौन बोला था? मैं बलदाऊ साहू कोहनी से बोला था भैया। जय भगवान। बलदाऊ साहू मुंगेली ले। हाँ, प्रश्न पूछा भैया, क्या प्रश्न है आपके? मोर प्रश्न ये है कि डॉक्टर साहब से जी कि धान के खेती में हमार हल्दी लगा सकत हन, या राहेर मेड़ में भी लगा हन ओहूम लगा सकत हन, ऐसे कुछ? अच्छा, ये अंतर्वर्ती के बारे में पूछना चाहते हैं। देखिए बलदाऊ जी, हरी भीम लगा सकत हन ऐसे? हाँ, देखिए बलदाऊ जी, सबसे पहले बता दूं कि जैसे पूर्व में ही बता रहे थे कि पानी का जमाव इसके लिए नुकसानदायक है, तो जो हमारे छत्तीसगढ़ के धान के खेत रहे वहाँ पे हम हल्दी की खेती नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक भर्री का सवाल है वहाँ पे इसकी खेती कर सकते हैं। इसके लिए जो देखिए ज़मीन है, इसके लिए हम कह रेतीली या दोमट मटियार मिट्टी अच्छी होती है, लेकिन यदि काली ज़मीन भी है तो भी हम उसमें इस हल्दी की जो है खेती कर सकते हैं, लेकिन जो इसका अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है वो रेतीली दोमट मटियार मिट्टी में इसका अच्छा उत्पादन, यानी जो हल्की ज़मीन होती है उसमें इसका उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है। अच्छा, ये हम पूछे हैं कि वो अरहर लगाए हैं उसमें अंतर्वर्ती फसल के रूप में हल्दी ले सकते हैं? देखिए, नई मेड़ है और मेड़ नरम है, जहाँ पर आप इसकी खेती कर सकते हैं। तो यदि अरहर की जो यदि आपने कतार में लगाई है और कतार से कतार की दूरी यदि 50 से 60 सेंटीमीटर रखी है तो वहाँ पर इसको चाहें तो लगा सकते हैं। किसान भाई जो छत्तीसगढ़ के हैं इसको बाड़ी में भी बहुत प्रमुखता से लगाते हैं, क्योंकि यहाँ मसाले के उपयोग के अलावा सौंदर्य प्रसाधन और एक अतिरिक्त आमदनी भी इससे प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो हमारी बाड़ी है वहाँ भी लगा सकते हैं, और यदि हमारी जो नई मेड़ वगैरह है उसमें हम इसकी खेती अरहर के बीच में भी यदि हम चाहें तो थोड़ी मात्रा में कर सकते हैं। हाँ, टुटेजा साहब, ये हर एक कंद वर्गीय फसल है। हाँ, तो एक कंद है जैसे कि आपके अदरक है हाँ, या हल्दी है
या कि जो कंद वर्गी फसल हाँ, है वो कर लिए मादा और मादा की कोड़ाई और मादा हाँ, चढ़ाना हाँ, मिट्टी की चढ़ाना हाँ, आवश्यक हो जाते हाँ, तो हल्दी की खेती में कब कब मिट्टी के गुड़ाई करना चाहिए हाँ, और मादा चढ़ाना चाहिए जेकर से कंद के विकास अच्छा हो। देखिए सबसे पहले तो बताऊं कि इसके लिए जब हम खेत की तैयारी करते हैं तो मिट्टी पलटने वाले हल से इसकी जुताई करें और उसके बाद 3-4 बार देसी हल के द्वारा या डिस्क हैरो के द्वारा इसकी ज़मीन को अच्छी तरह भुरभुरी कर लें। जैसे कि ये कंद वाली फसल है तो जितनी हम अच्छी जुताई करेंगे उतना ज़्यादा उसमें ज़मीन में कंद का जो है विकास हो सकता है, तो हमको ज़मीन की तैयारी अच्छी करनी चाहिए। दूसरा, इसमें जहाँ तक मिट्टी चढ़ाने का सवाल है, इसमें चाहिए कि हमको जो 4 महीने शुरुआत के हैं हमको इसमें मिट्टी चढ़ानी चाहिए। जहाँ तक गुड़ाई का सवाल है तो पहली जो गुड़ाई है इसकी जो है हम 80 से 90 दिन में करें और उसके 30 दिन बाद हमको फिर से गुड़ाई करनी चाहिए। और गुड़ाई जब हम करेंगे तो उस समय खरपतवार तो निकालेंगे ही और उसमें मिट्टी का चढ़ाव भी है वो अवश्य कर दें, क्योंकि जब तक हम जितनी अच्छी मिट्टी चढ़ाएंगे उतना अच्छा नीचे जो है कंद का विकास होगा, उतना अच्छा हमको उत्पादन प्राप्त होगा। जी जी जी, एक ठनऊ फोन आ थे टूटे जी साहब। हेलो हेलो भैया, कहाँ बोला था? सर मैं जानकी लो बोला था। हाँ बोलाओ। सर मोर समस्या ये है, मोर खेत में ना पानी थोड़ा सा भराए रखे हाँ, और मैं हल्दी के खेती करना चाहता था। ये मनोज रात्रे जी जांजगीर से पूछा थे जी कि हाँ, खेत में पानी भी भरा रहे थे हाँ, और हल्दी खेती भी करना चाहते तो का करें? मनोज जी देखिए, यदि धान वाले खेत हैं या जहाँ बहुत ज़्यादा पानी भरता है वहाँ पर इसकी खेती को हम अनुशंसित नहीं करते हैं। इसकी जो है वहीं पर इसकी खेती की जाती है जहाँ पे ढलान हो, जहाँ जल निकास की बहुत अच्छी व्यवस्था हो, जहाँ जल का भराव ना होता हो। यदि आपके खेत में सीमित मात्रा में यदि जल का भराव होता है तो आपको चाहिए कि जब जमीन की तैयारी करें उसी समय जहाँ पे भरा होता है वहाँ जल निकास की नाली बना लें, क्योंकि जल निकास इसमें अत्यंत आवश्यक है। जल के भराव होने से इसकी जो उत्पादन है उसमें काफ़ी कमी आती है और पौधों का विकास भी बहुत अच्छा नहीं होता। तो किसान भाइयों को चाहिए कि उसी खेत का चुनाव करें जिसमें कि जल निकास की बहुत अच्छी व्यवस्था हो या जल निकास की व्यवस्था कर लें। जी टुटेजा जी, मैं रोग राई कोनो भी फसल में आवे करते, लेकिन हल्दी एक ऐसी फसल है कि वो कई ठन रोग ला निदान भी करने वाला है हाँ, तो आप बताते हैं मैं रोग राई कुछ लगते का हाँ, और निदान कैसे करें हाँ। देखिए मैं रोग के पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे आपका पहला प्रश्न था कि इसमें खाद और उर्वरक का प्रबंध कैसे करें हाँ, हाँ। तो देखिए इसमें जो है खाद की मात्रा अच्छी लगती है तो इसमें शुरुआत में किसान भाइयों को चाहिए कि यदि उसके पास गोबर की खाद उपलब्ध है या कंपोस्ट खाद उपलब्ध है तो 15 से 20 टन जो है इसमें मात्रा लगती है। तो इसकी जो है आधी प्रति हेक्टेयर अच्छा, तो इसमें जो आधी या 3/4 मात्रा कहें कि जब हम खेत की तैयारी कर रहे हैं, जब हम मादा बना रहे हैं उस समय कर दें, और जो शेष मात्रा बचती है उसको जब हम कंद को लगाते हैं तो उस समय देना चाहिए। उसके ढकने के लिए भी यदि हम इसे मिट्टी और जो हमारी गोबर की खाद या कंपोस्ट हमारे पास उपलब्ध है तो उसको मिला के इसे ढकना चाहिए। जहाँ तक उर्वरकों का सवाल है, इसके लिए जो कुल आवश्यकता होती है खाद की या उर्वरकों की, तो हम कहें कि इसके लिए हमको जो 150 किलो नाइट्रोजन, 100 किलो फास्फोरस यानी स्फोर और 120 किलो पोटास की हमको आवश्यकता होती है। लेकिन जो नाइट्रोजन वाले उर्वरक हैं इसको किसान भाइयों को चाहिए कि 3 या 4 भाग में बांट कर दें। तो पहला जब दें उसको 30 दिन बाद, दूसरा 50 दिन बाद और तीसरा 90 दिन बाद इसको देना चाहिए। जहाँ तक स्फोर का सवाल है, पूरी स्फोर की मात्रा जब हम खेत की तैयारी कर रहे हैं या जब मादा बना रहे हैं उस समय देना चाहिए। पोटास की जो मात्रा होती है वो आधी या 3/4 मात्रा शुरुआत में, और जो शेष बची मात्रा जो है उसको जब हम आखिरी नाइट्रोजन जब हम 90 दिन में देते हैं उस समय इसको देना चाहिए। तो ये ध्यान रखें किसान भाई कि समन्वित उर्वरक प्रबंध करें, यानी खाद उर्वरक दोनों से इसको दें। गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद उपलब्ध है तो उसको जरूर डालें। और जो अब जो व्यापारिक महत्व आ रहा है हल्दी की ऑर्गेनिक खेती का कि प्राकृतिक खाद से उसको तैयार किया जाए जिससे उसकी कीमत भी अच्छी मिल रही है,
तो ऑर्गेनिक जो है ऑर्गेनिक खेती भी किसान भाई को चाहिए कि यदि हमारे पास अच्छी मात्रा में खाद उपलब्ध है, हम अपने खेत में बना रहे हैं, तो हम उसका प्रयोग करें। जी एक ठन फोन आते हैं। हेलो भैया। हाँ नमस्कार सर, मैं अमित कुमार बंजारे बोल रहा हूँ, हड़ा पर पोसरी से। हाँ बोलो भैया, अमित भाई बोलो। मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि इसका काम कितना दिन में आ जाता है करके, कितना दिन का फसल होता है, और यहाँ रेट हमारे सीजी में कम है तो कहाँ बेचना चाहिए इसको? जी अमित जी देखिए, इसकी जो फसल अवधि है वो जातियों के हिसाब से 7 से 9 माह रहती है, यानी जनवरी से इसकी खुदाई चालू हो जाती है और मार्च तक भी इसकी खुदाई चलती है। हम यदि इसको हल्दी का प्रयोग देखें तो हल्दी की जो है इसको पाउडर बना के इसकी प्रोसेसिंग करके इसका जो विक्रय है किसान भाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों को चाहिए कि जब इसको लगा रहे हैं तो उस समय ये भी देख लें कि हमको इसको खेत से निकालने के तुरंत बाद भेजना है या प्रोसेसिंग करने के बाद बेचना है, तो दोनों विधि के द्वारा इसका विक्रय हम कर सकते हैं। जी 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 अच्छा, अब किन के महीना के फसल है? हाँ तो एकर लगाए के महीना कौन से और हाँ कोड़ाई के महीना कौन से? देखिए कि इसको जो है 15 मई के बाद, यानी हम कहें मई के दूसरे पखवाड़े के बाद, जिसके पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है उसको लगा सकते हैं। जहाँ तक जो किसान भाई के पास पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो जब बरसात होती है जून में उस समय इसको किसान भाई लगाते हैं। जहाँ तक इसकी जो कोड़ाई का सवाल है, तो इसको ये फसल जो है लगभग लगभग मध्य जनवरी से लेकर तैयार हो जाती है, और जो फसल को हम थोड़े देर से लगाए हैं उसकी खुदाई मार्च तक भी चलती है। तो जनवरी से मार्च के बीच इसका जो है खुदाई का समय, और मई और जून जो है इसका लगाने का समय रहता है। अच्छा हम रोग के बारे में हम पूछ हाँ, रहे हैं। हाँ एक ठन फोन हुआ थे। ठीक है हाँ भैया बोलो। हाँ जी हाँ बोलो भैया। हल्दी का क्या करना चाहते हैं सर जी, तो बीज का अभी मिलेगा नहीं मिलेगा, वो कब बीज करेंगे उसको हमको मालूम नहीं था। अच्छा तो आप हाँ राजनांदगांव से कथाराम जी बोला था? हाँ जी हाँ जी हाँ 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 मौला बुलाट से बोल रहा हूँ। जी जी आजकल हाँ बोलो। एक एक बार और प्रश्न कह रहा हूँ, पूछो एक बार और प्रश्न पूछ लो। मैं कथाराम जी आपका जवाब दे दूं आपको। जहाँ तक देखिए कि इसको लगाने का जो समय है वो जून माह का रहता है, कि शुरुआत में जिसके पास पानी की सुविधा उपलब्ध है मई में लगाते हैं, और जहाँ बरसात के ऊपर जो निर्भर है जून में लगाते हैं। लेकिन यदि आपका खेत अच्छा से तैयार है, आपके खेत के जल निकास की अच्छी व्यवस्था है, जल का भराव नहीं होता है, तो अभी इस समय आपको जहाँ से भी बीज मिले यदि आप इसको तत्काल लगा सकते हैं तो इसको लगा लें। लेकिन ये तभी संभव है कि जब आपका पूरा खेत तैयार हो और आपको इसकी जो जातियों के बीज जो है उन्नतशील जातियों के बीज प्राप्त हो, तो इसको यदि आप लगाना ही चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके तत्काल इसको लगाने की व्यवस्था करें। टुटेरा जी हमारे किसान भाई ला संदेश दे देते हो कि हल्दी हाँ। की खेती भर हाँ तो किसान भाई मैं कहना चाहूँगा कि चूँकि इसको बाड़ी में भी प्रयोग होता है, इसका उपयोग भी अच्छा है, इसको हम फल उद्यान के बीच में भी लगा सकते हैं, और जहाँ हमारे पास जल निकास की अच्छी व्यवस्था है जिस खेत में उसमें इसको हल्दी को लगा सकते हैं। हल्दी कोई जो उपयोग है और इसके महत्व को देखते हुए, इसमें अच्छा फायदा को देखते हुए किसान भाइयों को चाहिए कि इसकी खेती ज़रूर करें। जी किसान भाई हो अभी आज देखे हो बहुत सुगर हल्दी की खेती के ऊपर फिल्म भी देखे हो, और हमारे बहुत अकन किसान भाई मन प्रश्न भी करीन, यानी छत्तीसगढ़ में हल्दी के खेती करे बर किसान भाई मन उत्सुक हैं, तो आप मन कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मन से संपर्क करो और हल्दी के एक उन्नत खेती करो। टुटेजा साहब आप मन आज हल्दी की खेती ऊपर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में अपन समय निकाल के हैं, आप यहाँ आए और किसान भाई मन ला जानकारी दे, इकर लिए आप ला बहुत बहुत धन्यवाद। तो संगवारी हो देखे आज हल्दी के बहुत अच्छा हम चर्चा करें, और अवैया बेरा में खेती किसानी में फिर हम एक नया नया विषय लेकर के आप तक के आबो और चर्चा करबो। जाए के बेरा हो गए हैं, तो जम्मो किसान भाई बहनी मल्ला राम राम।